हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही करंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखा गया है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो शिपिंग है वो बहुत सारे वर्क करती है रिलेटेड टू वाटरवेज एंड पोर्ट्स। सो इसका सिर्फ एक नाम होना मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ये सही नहीं है। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम अब चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखा जा रहा है। ठीक है, मोदी जी ने ये भी बोला कि क्योंकि अब इसके नाम में जब पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज होंगे तो फिर ये क्लियरली पहले ये काम ये करती थी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग और वाटरवेज का भी ये वर्क करती थी, लेकिन सिर्फ इसको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के नाम से जाना जाता था। बट अब क्योंकि अब ये नाम ही इसका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखा गया है, इस वजह से अब इसके नाम के साथ साथ इसके वर्क की भी क्लैरिटी सभी को हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा किया गया, ऐसे बहुत सारे जो डेवलप इकोनॉमीज हैं उन्होंने भी अपनी शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम पोर्ट्स और वाटरवेज ही के बेसिस पे रखा है, बिकॉज उनकी भी जो शिपिंग मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पोर्ट्स और वाटरवेज के वर्क के लिए भी। सो इंडिया ने भी अब ये काम किया है कि उसने भी अपनी शिपिंग मिनिस्ट्री का जो वर्क है पोर्ट्स और वाटरवेज को अब उसी के बेसिस पे उन्होंने नेम भी दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज। ये एक करेंट टॉपिक है, सो आई होप कि मुझे इससे वीडियो बनाना चाहिए एंड आपको हेल्प होगी इससे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।